पेमेंट रुकी हुई है और हम कहना चाहें सरकार से कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इतने घटाले करके यहाँ के लोग भज रहे हैं, क्या सरकार पर हमारे किसानों वास्ता पैसा नहीं है? इतनी बड़ी मूर्तियां बना दी, क्या सरकार पर हमारे किसानों वास्ता पैसा नहीं है? हर शहर के अंदर इन्होंने चौक बनाए जिसकी सिर्फ 5-7 लाख रुपये लागत है चौक की, इन्हें 50-50 लाख रुपये लागत दिखाई है, उस वास्ता पैसा है या जो किसान 24 घंटे खेत के अंदर अपने बच्चे समेत अन्न पैदा कर रहा है, उस किसान वास्ते सरकार के पास पैसा नहीं है। और हम सरकार को कहना चाहें, अगर सरकार ये सोचा कि तो थोड़े से लोग हैं, ये ना सोचे कि 14 तारीख को सिर्फ हम 50 बंदे या 100 बंदे SDM दफ्तर बदे, जितनी ज्यादा पेमेंट लेट होगी उतनी ही ज्यादा यो संख्या बढ़ती चली जाएगी। आज देख लियो, कल नू देख लियो, जितनी लेट पेमेंट करांगे यो मेरा किसान आ उतनी वो जागागा और अपनी पेमेंट किराए का हटागा। हम सरकार नू कहना चाहें, सब कुछ है सरकार पर, सरकार की नीति ठीक नहीं है। अगर सरकार की नीति ठीक होती आज यो नौबत नहीं आवती, क्योंकि ऊपर से लेकर तले तक झूठ बोलना तो इनकी एक फिक्र था। इस सरकार ने झूठ बोल बोल का इस देश का नाश कर दिया, सारा देश बेच दिया। तो अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद? हमारा अगला स्टेप यही है कि अगर सरकार हमारे किसानों की पेमेंट, जो भी हमारे मुद्दे हैं इस शुगर मिल के, वो जल्द से जल्द दूर नहीं करती, और हम और ज्यादा संख्या के अंदर ये रोज प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो भी किसानों की मांगे हैं वो मनवा के हटेंगे, इतना तक इनको पता। कहना क्या है भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है, आज ये जो किसानों का हजूम उमड़ा है, ये सारी पेमेंट की दिक्कत है। दुकान वाला नहीं धार देता, बिजली वाले मीटर तारने आ जाते हैं, हर आदमी परेशान है पैसे से। पैसा शुगर मिल में गन्ना गिरा हुआ पड़ा है, बेचा हुआ पड़ा है, पैसा है नहीं, और प्रशासन बात करना नहीं चाहता हमारे साथ। हम प्रशासन से बेनती कर रहे हैं बार बार कि हमारे पैसे दिलवा दो। अभी तो 2 साल से तकरीबन प्रशासन शुगर मिल को चला रहा है, सरकार चला रही है मिल को, तो अब तो उनका फर्ज बनता है, अब तो उनको जागना चाहिए। ये 40-45 हज़ार किसान इस शुगर मिल की दुग्धा से जूझ रहे हैं, परेशान है ये, इनके बच्चों की तरफ देखना चाहिए। सरकार किसको कहते हैं? सरकार कहते हैं कि हमारे एक परमात्मा की तरह होती है सरकार, दूसरी परमात्मा होती है सरकार। सरकार क्या सोचती है हमारे 45,000-50,000 आदमियों के बारे में क्या सोच रही है? हम भूखे मर रहे हैं और ये भूखे मरते मरते आज सड़कों पर आ चुके हैं। अभी आज SDM साहब को बुलाया है, 15 मिनट का टाइम दिया है, अगर तो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये काफिला पूरा SDM कोर्ट में जाएगा। और इसके बाद अगर हमारी कोई बात नहीं बनती तो अगले सप्ताह इससे भी कोई कड़ा ठोस कदम उठाएंगे हम। ऐसे हम बैठने वाले नहीं हैं, हमने जो धरना लगा रखा है वो हमारा लगातार जारी रहेगा, और इसके अलावा हम आगे से आगे कड़ा कदम कड़ी रणनीति अपनी अपनाते रहेंगे। हमारा आज का जो रोज प्रदर्शन निकालने का है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारे कई साल से पैसे रुकते आ रहे हैं, हमने पहले भी पैसा धरना लगा कर अपना पैसा वसूल किया था, अब हमारा 70 करोड़ के करीब अब पैसा रुका हुआ है, वो मिल नहीं रहा, अगर नवी पेमेंट फिर रुक गई है, तो हमारा ये एक सरकार को एक संदेश देना है कि ये हमारा जो आज का रोष प्रकट किया, हमने रोड मार्च किया है काले झंडे लगा के, तो ये दिखाना है कि किसान कितना दुखी है। हमारा जो किसान है इतना दुखी है, खर्चे से बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है, उधर तो परमात्मा की मार पड़ गई है, ऊपर से हमारा ओलावृष्टि हो गई है, हमारी कणक मक्की और हमारा तोड़िया सारा कुछ खराब हो चुका है। तो आज तक सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं सड़ाई है, तो आज तक हमारा यही रोष है। अगर हमारा अब भी सरकार ने कोई हल नहीं किया तो हम अगला फैसला कोई इतना बड़ा भी ले सकते हैं, तो स्टेप उठाएंगे तो जिले वाइज भी उठा सकते हैं, अगर हमारा आज भी कोई मसला हल ना हो तो। धन्यवाद। शुगर मिल है 2014 से
हमारी जो किसानों की पेमेंट है वो ऐसा 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 इतनी रोक ली पिछले साल की 70 करोड़ पेमेंट और 35 करोड़ जो क्रॉप लोन जिमीदारों ने मिल चलवाने के लिए दिए थे वो भी इन्होंने डिफाल्टर कर दिए, वो भी रोक ली। और अब की जो पेमेंट है वो लगभग 90 करोड़ की नमी पेमेंट भी रोकी गई उसके विरुद्ध, उसके रोष में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। और अब भी सरकार ना मानी, ना पेमेंट की, तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हम बहुत बड़ा फैसला लेंगे सरकार के खिलाफ, मिल प्रशासन के खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ।